नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और अब चीन समेत दुनिया के कई देश आर्थिक संकट में फंस गए हैं। भारत भी इसके असर से अछूता नहीं है। रिजर्व बैंक ने रुपए को इंटरनेशनल करके उसकी गिरती वैल्यू को थामने के जरूर प्रयास किए हैं, मगर बावजूद इसके महंगाई का असर यहां भी पड़ा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया में महंगाई बेतासा बढ़ी है। कई देशों में विदेशी मुद्रा खत्म हो रही है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम तक सब कुछ आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पूरी दुनिया में मंदी ने दस्तक दे दी है, या फिर यह हुआ खड़ा करके कुछ पूंजीपतियों की जेब भरने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आर्थिक मंदी क्या होती है। जब अर्थव्यवस्था में लगातार कुछ समय तक विकास रुक जाता है, रोजगार कम हो जाता है, महंगाई बढ़ने लगती है और लोगों की आमदनी घटने लगती है, तो इसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1982 में, तीसरी बार 1991 में और चौथी बार 2008 में आर्थिक मंदी आई थी। अब एक बार फिर से इसकी आशंका जताई जा रही है। जिस चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा दिया जा रहा है, पिछले कई महीनों से उसके हालात खराब नजर आ रहे हैं। उसकी मुद्रा युआन डॉलर के मुकाबले 6.50 से गिरकर 6.75 पर आ गई है। देखने भर से यह गिरावट मामूली लगती है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ता है। चीन सबसे अधिक सामान निर्यात और आयात करने वाले देशों में शामिल है। इससे उसका भुगतान सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि उसके प्रोडक्ट मिनिमम रेट पर बेचे जाते हैं। ऐसे में उसके मुनाफे में जरा सी कटौती उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही उसका आयात भी महंगा हो जाता है। चीन ने भी अपनी मुद्रा को इंटरनेशनल किया हुआ है, इसलिए वह देश भी उसके असर से बच नहीं पाते जो युआन में लेन देन करते हैं। पाकिस्तान जैसा देश लाहौर मेट्रो में कार्यरत चीनी कर्मचारियों को युआन में ही वेतन देता है। इसके अलावा केन्या, रूस में भी युआन में ही लेन देन हो रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान चीन से युआन को डॉलर देकर खरीदता है। बीजिंग पाकिस्तानी करेंसी को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए अगर चीनी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई तो इससे सिर्फ कुछ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। और अब चीनी अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों विश्व बैंक का एक बयान आया है। इसमें कहा गया कि इस साल के अंत तक दुनिया की आर्थिक प्रगति कम होने की आशंका है, इसलिए ज्यादातर देशों को आर्थिक मंदी की तैयारी कर लेनी चाहिए। पूरी दुनिया ज्यादा महंगाई और कम विकास दर से जूझ रही है, जिसकी वजह से 1970 के दशक जैसी मंदी आ सकती है और दुनिया भर में इसके असर को महसूस किया जाने भी लगा है। गूगल, अमेजन, एप्पल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों ने नौकरी कम की है। अगर मैं अपना खुद का उदाहरण दूं तो यूट्यूब से होने वाली आमदनी में करीब 60% की गिरावट आ गई है, यानी 20,000 की जगह अब 8,000 रुपए की आय बामुश्किल हो पा रही है। आर्थिक मंदी का दूसरा इशारा दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों ने किया है। गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा है कि वो इस साल के बचे हुए महीनों में भर्ती की प्रक्रिया को धीमा करेगी। ऐसा आने वाले महीनों में संभावित मंदी को देखते हुए किया जा रहा है। 2008-09 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो गूगल ने अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी। अभी गूगल में 1,64,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि फेसबुक भी 2022 में 10,000 की बजाय सिर्फ 6-7,000 नए इंजीनियर भर्ती करेगा। अमेजन ने कहा कि इस साल मार्च 2022 तक कंपनी के साथ 16,00,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं। अप्रैल में कंपनी के पास जरूरत से अधिक कर्मचारी हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के दौरान लीव पर गए कुछ कर्मचारी वापस लौट आए हैं। ऐसे में फिलहाल रिक्रूटमेंट प्रक्रिया रोक दी गई है। नेटफ्लिक्स, टेस्ला और ट्विटर जैसी कंपनियों ने भी अपने यहां होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। इस वक्त 20,50,00,000 लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। इससे पहले 2019-20 में कोरोना के दौरान 18,70,00,000 लोग बेरोजगार हुए थे। आज अमेरिका में महंगाई 9.1% पर पहुंच गई है, जो पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन में भी महंगाई 9.1% के करीब है। यूरोपीय यूनियन में महंगाई दर 7.6% तक पहुंच चुकी है। भारत में पिछले महीने खुदरा महंगाई दर 7.01% रही है, जो बीते 6 महीने तक 7.79% पर चल रही थी।
मई महीने में यह गिरकर 7.04 पर आ गई थी और इस जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर 5.59% पर आ गई है। यानी भारत पर आर्थिक मंदी का असर उतना नहीं है जितना कि बाकी दुनिया पर पड़ा है। पर बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है वह यही है कि दुनिया में आर्थिक मंदी की नौबत क्यों आई है। जब 2020 में कोरोना संक्रमण फैला तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। इसकी वजह से अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, विकास दर पूरी तरह रुक गई। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन खुला तो चीन की ओर से भेजे जाने वाले सामानों की सप्लाई चेन में रुकावट आ गई। सप्लाई कम हुई तो दुनिया भर में चीजों की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो गया। पर दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर लौट ही रही थी कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। दुनिया भर में खाने के सामान, तेल और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर हुआ। कच्चा तेल महंगा हुआ तो इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ और इसके चलते खाने पीने से लेकर हर चीज महंगी होती चली गई। महंगाई से निपटने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि की तो शेयर मार्केट से निवेशकों ने पैसे निकाल लिए। निवेशकों ने पैसे निकाले तो सीधा असर उस देश की करेंसी पर आया, जैसा कि पाकिस्तान का रुपया लगातार गिर रहा है और अब वह एक हफ्ते के भीतर ही एक यूएस डॉलर के मुकाबले 220 रुपये से 229 रुपये के करीब पहुंच गया है। दरअसल केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज वृद्धि दर के पीछे भी अर्थशास्त्र का नियम छुपा हुआ है। बैंकों की ब्याज दरें जब कम होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे चीजों की डिमांड बढ़ती है। अगर चीज बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो उसके मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसकी सप्लाई बाधित हो जाती है तो डिमांड अधिक होने के चलते उसके दाम बढ़ जाते हैं। केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाकर कर्ज महंगा कर रहे हैं ताकि बाजार में मूल्य स्थिर बने रहे। यही वजह है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने 11 साल में पहली बार ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने नीतिगत दर में 0.50% की दर से ब्याज दरों में इजाफा किया है। इसके साथ ही ईसीबी अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व और दुनिया के दूसरे प्रमुख देशों की श्रेणी में आ गया है जिन्होंने महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। जहां तक भारत के आर्थिक मंदी के लपेटे में आने की बात है तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने नई दिल्ली को बड़ी राहत दी है। उसके मुताबिक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ रेट वाला देश भारत मंदी की मार से काफी हद तक अछूता रहेगा। हालांकि ग्लोबल मंदी का सीमित असर उसे भी प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत को रूस से बेहद सस्ते दाम पर मिलने वाला तेल उसके लिए बड़ा सहारा बन रहा है। साथ ही भारत सरकार लोगों को जिस प्रकार राशन उपलब्ध करा रही है वह भारत को इस मंदी से बचाने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनने जा रहा है। इससे लोगों को कम से कम खाने की अधिक चिंता नहीं है, जबकि भारत ने तेल के दामों को काबू करके घरेलू ट्रांसपोर्टेशन को और महंगा नहीं होने दिया है। साथ ही RBI द्वारा मुद्रा रुपए को इंटरनेशनल करने से उसे और भी ज्यादा फायदा होने के आसार हैं। पर बावजूद इसके सरकार के सामने नए रोजगार सृजन बड़ी चुनौती है, क्योंकि आर्थिक मंदी से बचने के लिए लोगों की जेब तक पैसा पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।